उधर वफाकी वजीर साद रफीक ने चेयरमैन सेनेट इलेक्शन में हॉर्स ट्रेडिंग का दावा कर दिया। मीडिया से गुफ्तगू में कहना था मुंतखब सेनेटर्स को वफादारियां तब्दील कराने वाले नामालूम मकाम पर ले जाया गया। ऐसे आदमी की हिमायत की जा रही है जिसका सियासी हस्बोनस किसी को मालूम नहीं। मैं ये कहूँगा कि इमरान खान और आसिफ जरदारी ने सेनेट इलेक्शन के दौरान जमहूरी कुव्वतों का साथ नहीं दिया और एक ऐसे आदमी की मदद कर रहे हैं जिसका सियासी हसब नसब किसी को मालूम नहीं। ये साहब संजरानी कौन है, किधर से आए हैं, ये कौन आदमी है, इनका सियासत से कब से ताल्लुक़ है कोई जानता ही नहीं है। और इससे बड़ा अलमिया क्या हो सकता है कि पाकिस्तान के सबसे मौजूद और अहम ईमान की चेयरमैनशिप के लिए एक नॉन एंटिटी को आप आगे कर दें और फिर सियासी जमातों को उनके साथ जोड़ा जाए। ये एक अफसोसनाक पहलू है।